किसान गोष्ठी में नैनो यूरिया का उपयोग कर आमदनी दुगुना करने का दिया गया जोर। बांदा जनपद के खंड विकास कार्यालय के सभागार में किसान गोष्ठी की गई, जिसमें किसानों को इफको नैनो यूरिया तरल तकनीक पर आधारित एक अनूठा उर्वरक है, उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और आमदनी दुगुना होगी। आपको बता दें, पूरा मामला बबेरू के खंड विकास कार्यालय का है, जहां के सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल की अध्यक्षता में किसान गोष्ठी हुई। चित्रकूट धाम मंडल बांदा के सहकारिता उपायुक्त दीपक सिंह, सहायक उपायुक्त एवं सहायक निबंधक राजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी प्रभात द्विवेदी, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्याम सिंह, इफको प्रतिनिधि सचिन तिवारी, सहायक आयुक्त बीरेंद्र सिंह ने इफको नैनो यूरिया तरल की विस्तार से किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। नैनो यूरिया की 2 से 4 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आमदनी दुगुना हो, वह फलीभूत होगी। विकास खंड बबेरू की सभी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी बबेरू विकास खंड में आयोजित हुआ, जिसमें अपने सहकारिता विभाग के सभी मंडल और जिले स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। सरकार की जो मंशा है कि किसान की आय दोगुनी हो, उसके परिप्रेक्ष्य में जो अपने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पूज्य महाराज जी के जो किसानों के लिए लगातार चिंता कर रहे हैं, और इस चिंता में उन्होंने यूरिया जो अभी तक दानेदार यूरिया आप सबके बीच में बोरियों में रहती थी, उसको लिक्विड के रूप में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हम सबके बीच में भेजने का कार्य किया। निश्चित ही आज किसानों के बीच और डायरेक्टरों के बीच, अध्यक्षों के बीच में ये किसान गोष्ठी का संपन्न हुई, और निश्चित ही इस लिक्विड के माध्यम से जो नैनो यूरिया है, वो जब कम लागत पर उपज ज़्यादा, इसी का परिणाम होगा कि आगे चलकर किसानों की आय दोगुनी का जो मन में संजोकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आज कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही वो साकार और पूरा होता हुआ आप सबके बीच में दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।